नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली के दफ्तर में राहुल गांधी से करीब दो घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। वो ईडी के ऑफिस में मौजूद हैं और कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ता की नजर जाती है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भीड़ ज्यादा हुई। वहां से पुलिस ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली के साथ ही देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्यों में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दो घंटे का समय बीत गया है। राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। लेकिन आज राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों की तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस दौरान की है जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जा रहे थे पूछताछ के लिए। प्रियंका गांधी उनके साथ में हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं उनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी पहुंची हैं थाने। ये तुगलक थाना रोड है जहां पर प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है। तस्वीर आपके सामने देखिए। प्रियंका गांधी इस वक्त आपको नजर आ रही है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि पुलिस की बात ना मानने पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये नौ तस्वीरें आपके सामने जो अब तक की इस खबर पर हलचल है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता अब भी पूरे जोश से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और जो उनके साथ गलत हो रहा है वो हम नहीं होने देंगे। उधर ईडी अपना काम कर रही है। और आइए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बड़े नेता कांग्रेस के हिरासत में लिए गए हैं उनको तुगलक रोड थाने में बैठाया गया है। ये बड़ी खबर है। तुगलक रोड थाने ले जाया गया है और कांग्रेस के तमाम नेताओं का वहां पर भी विरोध पुरजोर तरीके से जारी है। जी सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह पर हैं और हमारे जो सत्यमेव जयते की भावना के साथ राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में भाजपा की चुनाव मशीनरी है उसका हिस्सा है उसके सामने उपस्थित हैं और जो वो जानना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। मगर सत्यता ये है कि ये विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के जो एक गान डिजाइन है उसका हिस्सा है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता है। अंग्रेज थे, गुलाम थे हम, फिर भी स्वतंत्र सेनानी को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट या विरोध करने का पूरा अधिकार मिलता था। आज हम हमारे नेता के साथ शांति से जाना चाहते थे, सिर्फ बाहर तक, अंदर नहीं ईडी ऑफिस में, और हमारे नेता भी उन सभी सवालों का जवाब देना चाहते थे। सीनियर नेता जैसे ही AICC से बाहर निकल रहे थे उनको बैरिकेड से रोक के लाठीचार्ज तक किया गया। देखो मुझे यहाँ लगा, बहुत लोगों को लगा, क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अत्याचार करने से, सत्य को परेशान करने या जेल में डालने से ना कंस की सलामत रही, ना रावण की सत्ता सलामत रही थी, ना अंग्रेजों की रही थी, ना भाजपा की रहेगी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर अग्नि परीक्षा से में जाने को तैयार है, पर क्या मोदी जी एक अग्नि परीक्षा देंगे? वो बताएंगे कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है? वो बताएंगे कि उस मेहुल चौकसी जो देश का पैसा लेके भाग गया उसको प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेहुल भाई क्यों बोला? वो बताएंगे उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों को कि आज 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर देश में क्यों है? क्यों सीनियर सिटीजन्स की जो ब्याज की दर है वो 40 साल की न्यूनतम क्यों है? इन सवालों का जवाब दीजिए। ये 3D मॉडल अब नहीं चलेगा। आप मुद्दों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का और डिस्टॉर्ट करने का जो मॉडल है वो अब देश में नहीं चलने वाला। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछ रहा है। मोदी जी, ना हम पुनः दोहराता हूँ और शाह साहब भी सुन लीजिए, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हर अग्नि परीक्षा का सामना करेंगे और उस अग्नि परीक्षा से और ओजस्वी होकर बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी और इधर प्रियंका गांधी थाने पहुंची, तुगलक थाना, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिनको हिरासत में लिया गया उनसे बातचीत करते हुए
उनसे बात भी कर रही हैं और कुछ समझा भी रही हैं, जिस तरीके से उनका जेस्चर पोस्चर इस वक्त नजर आ रहा है इस तस्वीर में, क्योंकि प्रियंका गांधी सीधे राहुल गांधी के साथ थी और जैसे ही उनको पता चला कि कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जिसमें पवन खेड़ा हैं, हरीश रावत को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पीएल पुनिया हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सुरजेवाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, जयराम रमेश हैं, गौरव गोगोई हैं, ये तमाम जो नेता हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। उनकी जब बात नहीं सुनी गई, सीधे थाने पहुंची प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, कुछ समझाने के लिए। राहुल गांधी की ईडी से अभी पूछताछ चल रही है। हमारे साथ दो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अविनाश पांडे और रघु शर्मा मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के पूछताछ से पहले दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिटेन किया, अभी हमने देखा कि एक बस में अशोक गहलोत से लेकर कई सांसद को अज्ञात जगह पर ले जाया गया, किसी थाने ले जाया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में माना जाएगा, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ईडी या देश की में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र को एक आतंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस के ही ऑफिस में हमको आने के लिए और पुलिस का जिस प्रकार से छावनी बना दिया गया है, एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को, जिस पार्टी का योगदान देश के आंदोलन, देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेके और अभी तक अहम भूमिका निभाता आया है, आज हमको हमारे ही कार्यालय में जाने के लिए पुलिस की छावनी से और चार बैरिकेड्स क्रॉस करके आना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ईडी ऑफिस या अन्य संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से आज एक राजनीतिक रूप से दुर्भावना रखते हुए जिस प्रकार से कार्य कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया चिंता का विषय है। 2012 में चुनाव आयोग ने जिस मैटर में क्लीन चिट दे दी कांग्रेस पार्टी को, नेताओं को, हमारे नेताओं को, उसको रीओपन करके वो मोदी सरकार करना क्या चाहती है? डराना चाहती है, धमकाना चाहती है? राहुल गांधी जो एक मुखर आवाज़ के रूप में पूरे विपक्ष की आवाज़ बन के मोदी सरकार का बराबर विरोध कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे आस पड़ोस के मुल्कों से संबंध खराब हो रहे हैं और विदेश नीति फेल हो गई देश की, इन सब मुद्दों को मुखर रूप से राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो देश की जनता की आवाज़ भी बन रहे हैं। आप उनको हरेश करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, पूरे कांग्रेस पार्टी का ध्यान हटाने के लिए, ताकि हम विपक्ष की भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएं, ये साजिश है बीजेपी की। वरना हमने 40 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर को आप किले में तब्दील कर लो, अपनी पार्टी में घुसने के लिए हमें पुलिस की परमिशन लेनी पड़े, ये कैसा लोकतंत्र है? धारा 144 क्यों लगाई? क्या कांग्रेस को अपने नेता के साथ सॉलिडरिटी या प्रदर्शन करने का हक नहीं है? अगर देश में लोकतंत्र है तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। विपक्ष होता ही इसलिए है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करें, आवाज़ बने उन फैसलों के खिलाफ। आप उस आवाज़ को कुचलना चाह रहे हैं। रघु शर्मा, अविनाश पांडे, दो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।